जैसा हमको ज्ञात है कि लॉकडाउन फोर कोरोना के इस महामारी के चलते आज से प्रारंभ हुआ है और हम लोगों ने निर्णय किया है एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन थ्री की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके के और गतिविधियाँ वो सब चलाई जाएंगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर कल से बसें ये शुरू हो जाएंगी आज हमने पावर डिपार्टमेंट को लेकर के भी एक रिव्यू मीटिंग की है और उसमें आगे चूँकि गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो गर्मियों के दिनों में पावर की बिजली की उपलब्धता ये पूरी रहे इस पर पूरा विचार हुआ है इसी संदर्भ में जो ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का काम ये हमने शुरू कर दिया है लगभग एक हज़ार ट्यूबवेल कनेक्शन जो फाइव स्टार मोटर्स के लगने थे वो लगाए जा चुके हैं और आने वाले जून 30 तारीख तक शेष 4000 हज़ार ट्यूबवेल वो भी लगाए जाएंगे इसके बाद नए फाइव स्टार की जो मोटर्स हैं वो उपलब्ध होने पर ही इसके बाद ट्यूबल्स ये सब लगाए जाएंगे जहाँ तक कुछ शिकायतें हमको बिजली के बिलों की ये मिली हैं घरेलू बिजली के बिल डिपार्टमेंट्स ने एवरेज बेसिस पर कुछ स्थानों पर जो कुछ त्रुटियाँ मिली हैं उसको भी विभाग को ध्यान करा दिया गया है कि ऐसी त्रुटियों को जल्दी से ठीक किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर वन नाइन वन टू अर्थात उन्नीस सौ बारह ये एक हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर फोन करके और वो ट्रुटियाँ ठीक कराई जा सकती हैं यदि किसी ने गलती से अपना बढ़ा हुआ बिल भर दिया है तो अगले बिलों में उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी चिंता वो लोग न करें जहाँ तक जेल विभाग का विषय है हमारे जो जेल विभाग के अंतर्गत सारी जो व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं 18,000 कैदियों में से अभी पिछले दिनों में 6,000 कैदियों को और पैरोल दी गई थी उस 6,000 कैदियों को पैरोल का समय 6 सप्ताह के बाद अगला 6 सप्ताह ये भी बढ़ा दिया गया है कोरोना को देखते हुए इसलिए सब लोग 12 सप्ताह के पैरोल के समय को पूरा होने के बाद ही वापस जेलों में आएंगे प्रसन्नता की बात है कि सभी जेलें कोरोना के समय में सुरक्षित हैं कोई भी ऐसा जेल के अंदर कोई कोरोना का पॉजिटिव ऐसा अभी तक कोई शख्स पाया नहीं गया है सभी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं